क्या करूं मैं ये सब करके, जब किसी को मुझ पर विश्वास ही नहीं होता। आका जी अब जय भैया की बातों का बुरा मत मानिए। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आज सब उम्मीद छोड़ चुके हैं, पूरी तरह से टूट गए हैं। इसलिए उनका व्यवहार इतना रूखा हो गया है। पर आकाश जी आप भरोसा रखिए, एक बार इस प्रोजेक्ट को आपने अच्छी तरह से पूरा कर दिया ना, फिर आप देखिएगा उनकी उम्मीद, उनका आत्मविश्वास सब कुछ वापस लौट आएगा। पूनम जी, आप कह रही हैं कि ये इवेंट पूरा हो जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसकी शुरुआत कैसे होगी। कौन करेगा हम पर भरोसा? कौन करेगा हमारा बिना एडवांस दिए उधार पर काम? बताइए, कोई जवाब है आपके पास? आकाश जी, हमारे दिमाग में एक बात आई है। वो लखनऊ वाले प्रोजेक्ट के लिए जिन लोगों ने आपके साथ काम किया था, उन्हें तो आप पर पूरा भरोसा होगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी नुकसान हुआ आपने अकेले उठाया। उनका पैसा आपने डूबने नहीं दिया, आपने उनका पेमेंट वक्त पर कर दिया था। मुझे लगता है आकाश जी वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आपको एक बार उनसे बात करके देखनी चाहिए। मैं उनसे बात करके मिलने का समय तय कर लेता हूं। हाँ पापा। क्या दीपक बेटा, दरवाजा खोलिए बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। पूनम देखिए ना, दीपक ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अभी तो बहुत घबराहट हो रही है। लेकिन माँ, हुआ क्या है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। बैंक वालों ने केस कर दिया उन पे, कहा कि अगर पैसा नहीं दिया तो उन्हें जेल भेज देंगे। क्या करें हम, कहाँ से लाएं? भाभी आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आकाश देखिए ना, आप लोग हटिए। भैया, हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते। भैया प्लीज, आप संभालिए अपने आप को। क्या संभालूं अपने आप को, इतने सालों बाद तो संभल पाया था। बिना सोचे समझे पापा के 5 लाख रुपए डुबो दिए मैंने। अब मुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई नहीं रोक सकता मेरे को। सब बर्बाद हो गया। नहीं मैं उस इवेंट में पैसे डालता और नहीं मेरे पैसे डूबते। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है आज। कितने लोगों को मुसीबत के मुंह में डाल दिया मैंने। नहीं, मैं इन्हें इस हाल पर नहीं छोड़ सकता। दीपक भैया, मैं जानता हूं कि आपकी हालत मेरी वजह से। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आपको जेल नहीं जाने देंगे। और ना ही किसी कर्जे में डूबने दो। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपकी सारी मुसीबतें
सारी परेशानियां खत्म कर दो। बोलिए, करेंगे मुझ पर भरोसा? देखिए वाकर जी, देखिए आकाश भैया, मैं जानता हूँ कि लखनऊ वाले इवेंट में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, फिर भी आपने हम सबकी पेमेंट अपनी जेब से की है, लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं ये तो उससे भी बड़ा काम है। भगवान ना करे कहीं इस बार भी आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। देखिए यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो कोठारी साहब उन्हें हम ठीक से जानते नहीं थे, पर मित्तल साहब उनको तो पूरी दुनिया जानती है, तो यहाँ ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए आप। ये रास्ता भी बंद हो गया पूनम जी, कुछ सोचिए ना। अरे सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम दोनों दिन भर यहाँ बैठकर सोचते रहे ना तो भी तुम लोगों का हला भला नहीं होने वाला। देखो गुरु, हम तभी से बैठकर तुम्हारी दोनों की टपट टपट सुन रहे हैं, और एक बात तो हम समझ गए हैं कि तुम दोनों की जिंदगी में बहुत तगड़ा लफड़ा चल रहा है। अब मार्केट में तुम दोनों काम करने के लिए खाली कटोरा लेकर घूमोगे तो कोई थोड़ी ना खाली कटोरे में हाथ डालेगा। मगर अरे ई अगर मगर को तो तैरने दो तालाब में। अब जो हम बोल रहे हैं हमारी बात सुनो, ई होटल हमारा है, इसे हम कई सालों से चला रहे हैं। अगर तुम्हारा ये कटरीन का काम हम उधारी पे करने को तैयार है तो क्या तुम ये काम दोगे? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो भाई, बोलो क्या कहते हो? देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। हमने सुना था कि बुरे वक्त में लोग सही फैसला नहीं कर पाते। सही सुना था? करो तुम्हारी जो मर्जी में आए, लपू झना की बातें। चलिए पूनम जी, सुनिए ये लीजिए, दीदी ने खाना भिजवाया, उन्होंने खुद बनाया है। दीदी ने? लेकिन हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, और आपने तो कहा था कि किचन बंद हो गया है, चाय के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। किचन तो सच में बंद हो गया है मैम साहब, लेकिन दीदी ने ये आपके लिए भिजवाया है, आप इसे भेंट समझिए, खाइए आप भी। अरे पूनम जी, पता नहीं औरत हमारे पीछे क्यों पड़ी है, आप चलिए यहाँ से। नहीं आकाश जी, ऐसे खाने का अपमान तो हम नहीं कर सकते, आइए बैठ कर थोड़ा सा खा लेते हैं। क्या है पूनम जी? कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। हमारा देश कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए पर भेस पर ही चलता है। हमने तो खुद चलकर परीक्षा दी है और बिजनेस का डील उधारी पर भी करने को तैयार है। अब बोलो तुम्हारा ये कटरीन का काम हमें मिलेगा या नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा, आपके हाथों में इतना स्वाद है ये हमने नहीं सोचा था। और वो कहते हैं ना, इंसान की असली पहचान उसके काम से होती है, उसकी बातों या चेहरे से नहीं। आप हमारे साथ काम कर रही हैं। ये हुई ना कोनो बात, अब आया तुम दोनों का दिमाग ठिकाने पे।
लेकिन आपको सारा काम उधार में ही करना पड़ेगा। काम खत्म होने के बाद ही मैं आपको पैसा दे पाऊंगा। अरे पता है, पर क्या है ना कि हमको भी लाइफ में कुछ बड़ा काम करना है, और बड़ा काम करने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। लेकिन आपने इतने कम समय में इतना अच्छा खाना कैसे बना लिया? किचन तो बंद हो गया था ना। तो क्या हुआ, चूल्हा जलाने में कौन सा घंटा दो घंटा लगता है? देखो फुलझड़ी, ये जरूरी नहीं कि जो आइटम को बनाने में ज्यादा तामझाम हो और ज्यादा समय लगे वही स्वादिष्ट होता है। कहा है कि हमारे होटल में कभी कभी बहुत भीड़ हो जाती है, ऐसे में सबका ऑर्डर फटाफट पूरा करना पड़ता है। जैसे कि ये बना लिया, ये तो सिर्फ 5 मिनट में बना दिया है। 5 मिनट में? तो फिर आप हमें अपनी रेसिपी बताएंगी ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बढ़िया बढ़िया रेसिपी बता सकते हैं हम तुम्हें। पर छपा कर अपनी किताब मत बना लेना, वरना दोनों को अंदर करा देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, आप जैसा कह रही है वैसा ही होगा बिल्कुल। अरे कनु भाभी, आप अकेले? लगता है पूनम नहीं है अभी तक। आ भी जाएगी तो क्या होएगा, यो घर में काम की चक्की में तो अकेले कन्नू भाभी पिसे। अरे लो लो लो, मैं थारी मदद कर देती हूँ। कन्नू भाभी एक बात बताइए, ये पूनम आकाश के साथ मिलकर सारा बिजनेस अकेले संभाल रही है क्या? हाँ अरे नहीं नहीं, पूनम तो सिर्फ आकाश जी की मदद कर रही है, बस 2-3 दिन की बात और है। यो तो थारे को लागे कन्नू भाभी, मन्ने तो लगे डॉली दीदी उसने देवर जी को ज्वाइन कर लिया है। अब तो बस वो दिन भर घर के बाहर रहेगी और थारे को यहाँ पिसना पड़ेगा। कनु भाभी हमारे पास एक खुशखबरी, हमें क्रेडिट पर केटरिंग मिल गई है। अब आप देखिएगा सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा? हाँ भाभी, आकाश जी अब सब कुछ सही कर देंगे। अरे हाँ, उनके लिए पानी लेना था। आकाश जी सब कुछ सही कर देंगे, आकाश जी सब कुछ सही कर देंगे। देखा तमाचा मार के गई है आपके मुंह पे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।